दोस्तों नमस्कार, टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो में हॉलीवुड की फेमस मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस का जिक्र किया था, जो स्पीड से रिलेटेड थी। मैंने आपको बताया था कि स्पीड थ्रिल्स बट इट मे किल। दोस्तों कई लोगों ने मुझे फोन किया और कई लोगों ने मुझे मैसेज करके ये पूछा कि मेरे पास ऑलरेडी मेडिक्लेम है तो क्या मैं सिर्फ एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ले सकता हूं। आप बिल्कुल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर पॉलिसी ले सकते हैं। मैं आज आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों यदि आपकी इनकम 60,000 रुपए मासिक से ज्यादा है तो आप 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले सकते हैं, हार्डली 10,000 रुपए। जी हाँ, ये 10,000 रुपए आपको सालाना भरने होते हैं। इस पॉलिसी में इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपके शरीर के 2 मुख्य अंगों का नुकसान हो जाता है जैसे हाथ पैर या आंख, तो इस स्थिति में हम आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं। इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, जहां पर आपके शरीर का एक्सीडेंट में 1 अंग का नुकसान होता है, तो इस स्थिति में आपको 50,00,000 रुपया दिया जाता है। दोस्तों यदि एक्सीडेंट में हाथ या पैर की उंगलियों का भी नुकसान हो जाए तो डिपेंडिंग अपॉन द लॉस 2% से लेकर 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, दैट इज 1 करोड़ रुपए का 2% 2,00,000 रुपए से लेकर 25,00,000 रुपए तक का नुकसान आपको कंपेंसेट किया जाता है। ये तो छोड़िए, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक्सीडेंट में आज के दिन ड्यू टू मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज डेथ को रोका जा सकता है और इंश्योर्ड व्यक्ति को बचाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वह व्यक्ति ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है और फिर उसके बाद किसी कारण से उसे घर पर रहना पड़ता है 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना, और वह अपने काम पर नहीं जा सकता जिसके कारण उसका इनकम लॉस भी होता है। ऐसी स्थिति में हम 15,000 रुपए वीकली कंपेंसेशन उस व्यक्ति को देते हैं। कब तक? जब तक वो ठीक होकर अपने काम पर जाना शुरू न करे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये पॉलिसी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप 10,000 रुपया खर्चा करके आप 1 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप 2-व्हीलर या 4-व्हीलर पर लगातार ट्रेवलिंग करते हैं तो आप इस पॉलिसी को अवश्य लें। इसमें एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ 2-व्हीलर या 4-व्हीलर का नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट को एक्सीडेंट माना जाता है, जैसे कोई गिर गया या किसी को सांप ने काट लिया है, करंट लग गया है, या कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है जैसे अर्थक्वेक हो गया है या भूकंप आ गया या कोई तूफान के कारण किसी की मौत हो गई, जैसे अभी ओडिशा में 72 लोगों का डेथ हुआ ड्यू टू उम्फान, दैट ऑल्सो इज ट्रीटेड एज एन एक्सीडेंट एंड ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप अपने आप को पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के साथ अवश्य इंश्योर करेंगे। आपके प्रश्नों के लिए आप इनबॉक्स में अपने कमेंट लिखें और अपने नंबर शेयर करें ताकि हम आपसे पॉलिसी के बारे में और बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच।